कर्ज पड़ा, जरूरत पड़ी, कर्ज पड़ी, जरूरत पड़ते हो गुलशन पे लहू दिया हमने, और अब बाहर आई तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं। अब बाहर आई तो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा ही काम है। हम बेरोजगार गरीब बच्चे एएनएम जीएनएम नर्सिंग स्टाफ किए हुए, और कई नर्सिंग स्टाफ के बिना भी होंगे, ऐसे सब लोगों को, बेरोजगारों को राजस्थान सरकार ने लगाया। दुर्गति हो जाएगी अशोक गहलोत साहब, यहां कोई सीआईडी खड़े हो, पहले सोने के चमचे होते थे, फिर चांदी के आए, फिर पीतल तांबे के आए, फिर लोहे के कचकड़े आए, स्टील के आए, और अब कचकड़े के कचकड़ा माने प्लास्टिक के क्रिस्टल के आ गए। तो सरकार का कोई चमचा या कचकड़े का खड़ा हो, कोई सीआईडी खड़ा हो तो नोट कर ले, बुरी दुर्गति आई आपकी राजस्थान सरकार की, कि इन बेरोजगार बच्चों को इस तपती धूप में, इस भयंकर गर्मी में यहाँ पर आकर के धरना दे के बैठना पड़ा है। और जैसा मुझे चावला ने बताया, भैया ने, हनुमानगढ़ के हैं कि अनशन पर भी है, आम अनशन पर भी है। ये दुर्भाग्य राजस्थान सरकार का, ये जनता सब देख रही है, ये शहीद स्मारक है, यहाँ बहुत सारे धरनार्थी बैठे, प्रदर्शनकारी बैठे, और आप सबको, कईयों को पता होगा, मैं सिर्फ राजनीति में नहीं हूँ, मैं पूरे 20 साल लगभग मजदूर नेता भी रहा हूँ, कर्मचारी नेता भी रहा हूँ। राजनीति में आने से पहले बहनों और भाइयों, मैं मजदूर नेता भी रहा हूँ, मैं बनावटी दिखावटी और सजावटी नेता नहीं हूँ। राजनीति में आकर के सिर्फ झूठ बोलना, कपट करना मेरा स्वभाव नहीं है। जिंदगी भर मैं किराए के मकान में रहा, एक बार MLA, 2 बार 3 बार रामगढ़ अलवर से, अलवर वाले जानते हैं, भरतपुर वाले जानते हैं, हमारी मैडम प्रिंसिपल थी, जब वो रिटायर हुई 44 लाख लाई, तब सस्ते 2-13 लाख के फ्लैट लिए, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई क्रेशर नहीं, कोई माइंस नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई गैस एजेंसी नहीं, MLA होकर के भी किराए के मकान में, ये रहा मेरा जीवन। और नेताओं की तरह, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी के लिए भी कह रहा हूँ, एक बार MLA बन जाए, अड़ 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 लाल चपकाते हैं।